नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कौल ने कहा है कि इस मामले में मानवीय नजरिए से देखना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा है कि मामले में समाधान की जरूरत है। आरोप है कि हल्द्वानी में, बता दें कि 4400 परिवार जो है रेलवे के जमीन पर अतिक्रमण करने रहते हैं, और साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 के रेलवे को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद से करीब 50,000 लोगों को आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अब अगली सुनवाई तक इन लोगों को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी और सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए हाईकोर्ट के फैसले को स्टे लगा दिया है। हालांकि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी रह सकती है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार, रेलवे समेत सभी पक्षों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50,000 लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता है। रेलवे को विकास के साथ साथ इन लोगों को पुनर्वास और अधिकारों के लिए योजना तैयार किया जाना चाहिए। दिल्ली के कांझावला में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियान रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ है और साथ ही अंजलि नाम की एक लड़की की मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने मामले से जुड़ी अहम जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने अधिकारी सागर पी हुड्डा ने बताया है कि सभी अभी तक मर्डर का केस नहीं बन रहा है, क्योंकि मर्डर के लिए मोटिव चाहिए होता है और अभी तक के जांच में कोई मोटिव सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले पर दिल्ली के ब्यूरो हेड सैयद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। दिल्ली के कंजावला मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि इसमें 5 नए अब 7 आरोपी हैं। 2 आरोपी वो हैं जिन्होंने इन 5 आरोपियों की मदद की थी। लगातार कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो आरोपी हैं वो किस तरीके से बलेनो कार से उतरे हैं, उसके बाद कार छोड़कर ऑटो से फरार हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभी 302 का मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता, ये कहना है दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागर प्रीत हुड्डा का, क्योंकि मंशा हत्या की अभी तक साफ नहीं हो पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। सैयद मुबशिर को आप सुन रहे थे, जो हमारे दिल्ली के ब्यूरो हेड है। बता दें आपको, जिस तरीके से दिल्ली का मामला ये सामने आया है और जिस दौरान इस 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी पुलिस ने साफ तौर पे ये कहा है कि ये अभी मर्डर का केस नहीं बन रहा है, जिसको लेकर हमारी जो ब्यूरो हेड है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और सैयद मुबशिर ने इस मामले को लेकर अच्छे से ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ रहा है वहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और साथ ही जाना वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस दौरान कानपुर साध्वी प्रज्ञा पहुंची है और साथ ही इस दौरान बीजेपी पर उन्होंने किस तरीके से जमकर निशाना साधा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कानपुर पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई जमकर तारीफ की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार के वक्त ओबीसी आयोग का गठन नहीं हो सकता है, बीजेपी ने ओबीसी आयोग में बताया है। साथ ही वे कानपुर के बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी। उन्होंने कहा है कि दलितों पिछड़ों के अधिकारों को सुरक्षा बीजेपी कर सकती है। विपक्षों पर कटाक्ष करते हुए सपा और बसपा वोट लेने के लिए सीमित है, ये उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने सपा सेफई तक और बसपा अपने तक सीमित है, ये साथ में उन्होंने कहा है। लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के दबले कुचले और मुस्लिमों का विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी ने अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर सर्व समाज को बढ़ाया है। साध्वी निरंजन ज्योति ने खुद को बोलते हुए कहा है कि खेत में फड़वा चलने वाले गरीब बाप की बेटी को आज बोलने की साहस दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने कांग्रेस जोड़ो यात्रा बताया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को न्याय दिलाने का काम करती है, फायदे का काम विपक्ष करता है। यदि विपक्ष को दबे कुचले और पिछड़े दिखाई पड़ते होते, ओबीसी का कमीशन बहुत पहले गठित हो जाना चाहिए था, नहीं करवा पाए।
हम लोग काम करते हैं जनता के हित के लिए। राजनीतिक फैसला जब चुनाव होता है वो चुनाव में जनता अपने आप आती है, हम जनहित के काम करते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो बहुत ज्यादा समय नहीं ले लिया। नहीं तो जब न्यायालय का फैसला आया तो गठन तो करना। तो फिर तो न्यायालय प्रधान हुआ ना, न्यायालय ने ये सब कुछ किया। नहीं 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 नहीं, अगर नहीं तो आयोग गठित आयोग सरकार ने गठित किया भाई। बिजनौर में डीएम ने आज सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद से आज 5 जनवरी को सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आज से पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक का निर्देश करते हुए कहा है कि 5 जनवरी को सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इसी लेकर आज बिजनौर डीएम उमेश मिश्रा ने प्रशासनिक अधिकारियों के लोगों को जागरूक करने के लिए एक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आज से प्रदेशव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। वहीं एसपी सिटी प्रवीण रंजन ने बताया है कि बिजनौर जनपद में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सके और लोगों को इसको लेकर जागरूक किया जा सके। शासन के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस पूरे एक माह सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाएगा। इस सड़क सुरक्षा माह में आज अभी देखा आपने कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा झंडी दिखाते लोगों को जागरूक करने के लिए एक वैन भी रवाना की गई, जिसके अंतर्गत माह भर पूरे जागरूकता संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और उस पर रोक लगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शकील अहमद जुड़ गए हैं, बिजनौर से हमारे संवाददाता है। जिस तरीके से शकील, प्रशासन की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा अभियान, इसको लेकर प्रशासन क्या मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है, क्या किस तरीके से लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रही है? इसी क्रम को लेकर आज बिजनौर डीएम ने सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद 5 जनवरी को सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया है। डीएम बिजनौर उमेश मिश्रा ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आज पूरे प्रदेश में व्यापारी सड़क पर अभियान सुरक्षा की जा रही है। वही दुर्घटनाओं को लेकर सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक का जारी करते हुए कहा कि 5 जनवरी सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया जाएगा। बिजनौर डीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लेकर एक जागरूकता करने के लिए वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा न हो। बिल्कुल शकील, जिस तरीके से इस सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया है, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, इस दौरान वहां पे डीएम भी मौजूद थे और उन्होंने ही लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की, वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डीएम का क्या कुछ कहना था, किस तरीके से लोगों को वे निर्देश देते हुए नजर आ रहे थे, वहां जो अधिकारी मौजूद थे उनको वो निर्देश देते हुए नजर आए थे? जी, डीएम बिंदु ने लोगों को निर्देश यही दिया है कि जितनी सड़क सुरक्षा अभियान में लोग जितने से ज्यादा जागरूक होंगे उतने ही ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह में कम होंगे। वहां पर जितने भी अधिकारी थे उनको सबको यही जागरूकता का अभियान बताया है। शुक्रिया शकील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बिजनौर की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है, डीएम ने खुद हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया और साथ ही इस अभियान की शुरुआत करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जिस तरीके से रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको रोका जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके, जो आप हेलमेट का यूज़ करिए और तमाम चीज़ों का यूज़ करिए जिससे सड़क दुर्घटना कम से कम हो और लोग सुरक्षित रह सके।
वहीं अमेठी में भी सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक नेहरी ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है। दरअसल लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने ई रिक्शा पर बता दें कि रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाकर इसकी शुरुआत की है और लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए हैं। विभाग द्वारा यातायात जागरूकता रैली को आपने हरी झंडी दिखाई, क्या है कार्यक्रम? यूपी शासन के द्वारा एक महीने का सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी क्रम में आज जनवरी फर्स्ट ये पहला दिन है। ये प्रोग्राम फरवरी 4 तक एक महीने के लिए किया जाएगा। आज इसका पहला दिन है, इसको गाड़ियों का निकाल के जागरूकता रैली मेरे द्वारा आज निकला गया है। वही अब खबर अमेठी से है, जहां पर किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जो है जलमग्न हो गई है। बता दें कि यहां पर बाजार शुक्ल विकास खंड के पाले और टेवसी के माध्यम से शारदा सहायक खंड 28 से निकलने वाली सुबहेहा रहबरहा नहर में कटने के कारण किसानों की सैकड़ों बीघा जो जमीन है, जो फसल है, वो जलमग्न हो गई है, जिससे किसान काफी परेशान है। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से सैकड़ों बीघा जो फसल है किसानों की जलमग्न होती हुई नजर आ रही है, बर्बाद हो गई है। और बता दें कि ये नहर कटने के कारण ये किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो गए हैं, जिसके वजह से किसान लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही इस दौरान अपनी मांग को रखते हुए उन्होंने जल्द से जल्द इस मामले को लेकर मुआवजे की बात भी कही है। साथ ही बता दें कि अमेठी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर किसानों की सैकड़ों बीघा किसानों की जो फसल है वे जलमग्न होती हुई नजर आई है। दरअसल बता दें कि बाजार शुक्ल विकास खंड के पाली और टेवसी के माध्यम से शारदा सहायक खंड 28 से निकलने वाली सुबहेहा रहबरहा नदी जो है कटने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है, जिससे लगातार किसान परेशान है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो खेत है उसमें पानी भर गया है और किस तरीके से वहां किसानों की इतनी बीघा जो फसल थी वो नष्ट हो गई है। बता दें कि यहां पर किसानों की तरफ से बताया गया है कि सैकड़ों बीघा जो फसल थी वो नष्ट हो गई है किसानों की, जिसके बाद से किसान लगातार परेशान बताए जा रहे हैं। किसान इस मामले को लेकर लगातार गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही बता दें कि यहां पर अमेठी की ये तस्वीर, जहां पर नदी कटने से यहां पर सैकड़ों बीघा जो किसानों की फसल है वो नष्ट हो गई है। शातिर चोरों के विरोध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया है कि थाना चिलकाना पुलिस ने द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर चोर मोहित, आसिफ और गौरव को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और साकी तमंचा जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जी, चिलकाना क्षेत्र में पिछले एक महीने से चोरी की घटनाओं के बारे में वारदात के बारे में सूचना मिल रही थी, तो उस सूचना पर काम करते हुए पुलिस ने ये 3 चोर, ये बहुत छात्र चोर हैं, लगातार पठेठ चौकी एरिया में और आसपास चिलकाना थाना क्षेत्र में इन्होंने चोरी की है। एक महीने पहले भी एक चोरी करी थी और इस हफ्ते में भी 2 चोरी इन्होंने चोरी को अंजाम दे दिया था। तो ये गौरव आसिफ और तीसरे हैं मोहित, ये तीनों चोरों की जो टोली है इनको कल चिलकाना पुलिस ने पकड़ लिया है और इनके पास से अच्छी खासी बरामदगी हुई है। काफ़ी सोना चांदी का सामान मिला है इनके पास से, जो उन्होंने घर से चोरी की थी। करीब 76,000 का कैश मिला है, एक मोटरसाइकिल मिली है और असला भी मिला है इनके पास से। अब खबर बिजनौर से है, जहां पर लोगों ने जेब कतरे के जमकर पिटाई करते हुए नजर आए हैं। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और बता दें कि आपको बता दें कि दिन दहाड़े जेब से पैसे चोरी करते हुए युवक पकड़ा गया है, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ में जुटी हुई है। वही मामला थाना कोतवाली शहर के गाँव नगर पालिका चौराहे का बताया जा रहा है।
और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जेब कतरे की लोग पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही बता दें कि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही बता दें कि ये जो मामला है जिसमें पुलिस लोगों ने वहाँ के लोगों ने ही जेब कतरे को रंगे हाथ पकड़ा है और साथ ही उसकी जमकर पिटाई कर दी है। और साथ ही बता दें कि बिजनौर की ये तस्वीर है और जहाँ पर दिन दहाड़े जेब से पैसे निकालते हुए इसको रंगे हाथ लोगों ने पकड़ा है, जिसके बाद इसकी लोग जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ करने में जुटी हुई है। मामला थाना कोतवाली शहर के गांव नगरपालिका चौराहे का बताया जा रहा है, जहां पर जेब कतरे को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ये जेब कतरा जो है ये खुलेआम लोगों की जेब से पैसा निकालता हुआ रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है, जिसके बाद से लोग इसकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही अब इस मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि इसके पीछे और भी इनके कितने साथी हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जिसके पता लगाने में लगातार पुलिस जुटी हुई है। अब खबर श्रावस्ती से है, जहां पर जिले के एक बार फिर से मां की ममता शर्मसार हुई है। दरअसल यहां पर नवजात शिशु को अज्ञात ने बाग में फेंक दिया है। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने मौके पर जमा हो गए हैं और जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है और बता दी कि ये मामला है जहाँ पर एक बार फिर से मां की ममता शर्मसार होती हुई नजर आई है। उसकी आप तस्वीर देखिए, जहां पर एक नवजात शिशु को अज्ञात ने बाग में फेंक दिया है, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दे दी है। पुलिस अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही बता दें कि यहां के जो नवजात हैं उसको बाग में फेंक दिया गया था, जिसके बाद से स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बता दें कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि इस नवजात शिशु को किसने फेंका, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। अब खबर लखनऊ से है, जहां पर आपको बता दें कि हजरतगंज इलाके में हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक रिक्शा चालक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। बता दें कि रिक्शा चालक का नाम खान है और उसकी रिक्शा चालक शमशेर ने हत्या की है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और घटनास्थल पर पहुंची हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दानिश जुड़ गए हैं। दानिश, जिस तरीके से रिक्शा चालक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है, पुलिस इस मामले को लेकर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है? देखिए, इसमें जिस तरीके से अपर्णा रजत कौशिक का बयान आया है, उनका ये कहना है कि रिक्शा चालक की हत्यारे को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है उसकी पूछ कुछ करके। लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल ये है कि कानून व्यवस्था पर क्या इस बात से पल्ला झाड़ा जाएगा कि हत्या होने के बाद अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जो मरने वाला है क्या उसकी जान वापस आ जाएगी? सबसे पहला सवाल ये है। और राजधानी के अंदर ऐसा कांड हुआ है, सवाल यहाँ पर ये नहीं कि रिक्शे वाला मारा गया है या कोई वीआईपी, सवाल यहाँ पर ये है कि कानून व्यवस्था पे जो कानून कहता है वो ये है किसी का जिंदा रहना इतना ही जरूरी है जितना समाज में कानून का पाठ पढ़ाया जाए। जिस तरीके से रिक्शे वाले की कूट से हत्या कर दी गई है, ना तो पेट्रोलिंग दिखी ना पुलिस दिखी, और आनंद फानंद में हत्या कर दी गई है। उसके बाद डीसीपी द्वारा जो बयान दिया जा रहा है बड़ा अजित कौशिक द्वारा की हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाए, कहीं ना कहीं राजधानी के अंदर जो ये घटना हुई है मर्डर की, इससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठ गया है कि क्या पुलिस का कानून का खौफ क्या हत्यारों में खत्म हो गया या फिर लटेरियों का इकट्ठा बन गया है कि कुछ छोटी छोटी बातों पर हत्याएं हो जाएंगी। जी बिल्कुल दानिश, प्रशासन से भी सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन दानिश, इस मामले को लेकर क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और इस मामले को लेकर अब परिजनों का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से लखनऊ में डीजीपी का बयान आया है, उनका ये कहना है कि हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने भी हत्या की है। गिरफ्तार करने वाले कौन से, अभी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, हालांकि उनकी एक रिएक्शन बाइट आई है
रिएक्शन बाइक के मुताबिक पीछे वाले के जो हत्यारे हैं वो एक हैं, दो हैं, तीन हैं, ये तो डीसीपी बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएगी, लेकिन हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने से कानून व्यवस्था पर जो दाग लगा है वो नहीं मिटेगा, और किसी गरीब रिक्शे वाले की हत्या हुई है, सबसे बड़ी सवाल बात ये है कि उसके घर में पालन पोषण करने वाला क्या वही एक जिम्मेदार आदमी था या और लोग हैं? अगर वही जिम्मेदार व्यक्ति था तो फिर कौन करेगा उनका पालन पोषण? और अगर मान लीजिए अगर इसके अलावा कोई और नहीं है तो फिर कैसे उनके घर का जीवन यापन शुरू होगा? क्योंकि हत्यारों ने हत्या नशे की हालत में की हो या किसी कारण, वो सवाल दूसरा है, लेकिन किसी की हत्या हो गई यानी कानून का भय खत्म हो चुका है। और राजधानी के अंदर जिस तरीके से घटना हुई, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हलचल से मची है। कानून में हत्यारों को पकड़ लेना पुलिस के लिए भले ही बढ़िया गुड़वर्क हो, लेकिन हत्या हो जाना ये गठबंधन में जरूर समाज में शामिल है। बिल्कुल दानिश सही कह रहे हैं आप, जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है कहीं ना कहीं काफी बड़ा सवाल एक प्रशासन पर भी खड़ा हो रहा है। दानिश, जिस तरीके से इस तरीके की हत्या को अंजाम दिया जाता है और प्रशासन का भय किसी के अंदर देखने को नहीं मिलता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और प्रशासन अब इस मामले को लेकर कैसे तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है, और परिजनों को जो परिजन थे उनके घर में कमाने वाला अब कोई है नहीं, तो अब इसको लेकर कैसे उन तक मदद पहुंचाई जा रही है, क्या कुछ किया जाएगा आगे? दानिश, देखिए जब मजबूरी किसी के आगे होती है तो इंसान को जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है, चाहे वो दैनिक मजदूरी हो या किसी रिक्शा चला के पेट पालन पोषण करना हो परिवार का। सभी के आगे अपनी मजबूरियां हैं और मजबूरियों को देखते हुए सभी को अपना अपना काम करना पड़ता है। जिस तरीके से रिक्शा चालक की हत्या की गई है, उस हत्या के कारणों का पता भले ही अभी नहीं लग पाया हो कि वो नशे के कारण हुआ हो या पैसों के लिए नहीं कारण हुआ हो या किसी भी का जो भी बयान हो, हालांकि हत्यारों को इस बात को पकड़ लिया गया, इस बात को जो थैंक यू बोला जा सकता है लखनऊ पुलिस को, डीसीपी को, कि हत्यारों को पकड़ लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप प्रशिक्षण के दौरान या लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस कोई ऐसा मैसेज जारी करेगी कि हाँ छोटी छोटी बातों पे हत्याएं रुकने का काम नहीं, वो थमेंगी, या वुमेन राइट्स से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा? दूसरी चीज, जिनकी हत्या हो गई है उसके परिवार में अगर किसी का पालन पोषण कमाने वाला कोई नहीं तो उसके लिए क्या किया जाएगा? सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि ऐसे मामलों में क्या हीनस क्राइम अगर बन रहा है, वैसे तो एक ही मर्डर क्राइम है लेकिन अगर हीनस क्राइम के चलते देखा जाए तो उसके परिवार में तो पालन पोषण के संकट आते हैं रोजी रोटी के, तो उसमें क्या मदद की जाएगी? इसको लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं। और राजधानी के अंदर अगर ये घटना हुई है तो इससे एक बात तो सवाल साफ हो गया है कि कभी भी कोई भी किसी को मार सकता है, छोटी छोटी बातों पर मर्डर हो सकता है, लूट हो सकती है, तमाम तरह की घटनाएं हो सकती है, लेकिन पुलिस कुछ चीजों को टेक ओवर करने के बजाय गुडवर्क करने में इस बात पर भी सतर्कवाती है कि हमने अरेस्ट कर लिया है। हालांकि पुलिस के बीच में कोई गलती नहीं है क्योंकि घटनाएं किसी को अवगत करा के या बता के नहीं होती, लेकिन अगर कानून व्यवस्था का पाठ सख्ती से पढ़ाया जाएगा तो राजधानी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कानून व्यवस्था का मैसेज जाएगा, और ये बहुत ही जरूरी है। जिस तरीके से हत्या हुई, इससे सबसे बड़ी घटना ये बात हो गई है, हथियारों को पकड़ लेने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल दानिश सही कहा आपने, हथियारों को सिर्फ पकड़ने से काम नहीं चलेगा, इसमें सख्त रवैया पुलिस को प्रशासन को अपनाना पड़ेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और राजधानी लखनऊ की ये खबर है जहां पर बता दें कि मामूली विवाद के कारण एक रिक्शा चालक की पत्थर से हत्या कर दी गई, पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई। इसके बाद से लगातार प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर जिस तरीके से हत्याओं की वारदातें सामने आ रही है, यह कहीं ना कहीं प्रशासन को भी घेरता हुआ नजर आ रहा है कि इस तरीके की वारदात कब थमेगी, क्यों लोगों को प्रशासन का डर नहीं है, लोगों में खौफ देखने को नहीं मिल रहा है। यूपी के जिला उन्नाव में शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। जनपद उन्नाव के 6 वर्षीय दलित मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को हड़कंप मच गया है और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि दुष्कर्म की घटना की जानकारी मिलते ही देर रात पहुंचकर परिजनों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी है। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने बच्ची का देर रात उन्नाव जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया है और इस दौरान पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर जब यह खबर वायरल हुई तसके बाद से पुलिस हरकत में आई है और उसके बाद पुलिस ने इस मामले को लेकर कार्रवाई की है। इसके पहले भी परिजन इस मामले को लेकर पुलिस के पास जा चुके थे लेकिन पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद से जब ये मीडिया का परिजनों ने सहारा लिया उसके बाद से पुलिस ने इस मामले को लेकर कार्रवाई की है और इस दौरान युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि युवक के ऊपर पॉक्सो और साथ ही दुष्कर्म की धारा पर FIR दर्ज लिया गया है।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।